हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं विकास शर्मा आप सभी को आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिजीज पोर्शन जो है वो डिजीज पोर्शन पढ़ना। आइएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज पोर्शन को पढ़ने के लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहली बीमारी का नाम है साथियों अस्थमा। क्या नाम है साथियों? अस्थमा है। अस्थमा क्या होता है आप सब जानते हैं, पर फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, अस्थमा का पता करना है किसी पेशेंट का। तो अस्थमा में क्या होता है, एक्चुअली अस्थमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है साथियों जो कि किसी पर्टिकुलर एलर्जी के कारण होता है। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एलर्जी के कारण होता है। और जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक एलर्जी रहने लगती है ना, एलर्जन कोई जैसे डस्ट मान लें, कोई डस्ट के पार्टिकल्स मान लें, है ना, कोई फ्यूम मान लें, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं मान लें, कुछ भी मान लें, उनके कारण क्या होता है कि पेशेंट के जो ब्रोंकस हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और हवा ना तो अंदर आती और हवा ना बाहर जाती। और फिर पेशेंट को क्या अटैक होता है, पेशेंट को फील ऐसा होता है कि क्या है ये डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है साथियों? तो सिंपल सी भाषा में अपन ये कहते हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एलर्जन के कारण होता है। पहली बात, अस्थमा एक तरीके का पैरा क्या होता है साथियों, अस्थमा एक तरीके का पैराग्जिमल सिम्टम्स है या पैरोक्सिमल डिसऑर्डर है। पैरोक्सिमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे डिसऑर्डर जहां पर कोई भी फटाफट से साइन और फटाफट से सिम्टम्स अपियर नहीं होते। क्या नहीं होते? फटाफट से साइन और फटाफट से सिम्टम्स जो हैं वो सिम्टम्स क्या नहीं होते हैं साथियों, अपियर नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है पैरोक्सिमल डिसऑर्डर या पैरोक्सिमल डिसऑर्डर। बहुत सिंपल सी बात है ना। क्या होता है, सिम्टम्स अपियर, देखो सिम्टम्स अपियर कैसे होते हैं यहां पे पैरोक्सिमल डिसऑर्डर का मतलब आप सुनिए, ठीक है। सिम्टम्स अपियर होते हैं और अपियर होकर कई बार क्या हो जाते हैं, सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों? अपियर होते हैं और सडनली क्या हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। दैट इज नोन एज पैरोक्सिमल डिसऑर्डर। क्या? पैरोक्सिमल डिसऑर्डर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? ये सुनना बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, ध्यान दें। अस्थमा जो है बच्चों में होने वाली एक मोस्ट कॉमन डिजीज है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड बच्चों में होने वाली सबसे कॉमन अगर कोई बीमारी है तो साथियों आपका जवाब होगा कि वो बीमारी होती है अस्थमा। कौन होती है? अस्थमा। क्लियर बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि इसकी परिभाषा जो है वो परिभाषा क्या होती है। तो पहली बात, अस्थमा जो है वो एक दिन में पैदा नहीं होता है। ध्यान रहे आपको, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, एक्यूट बीमारी नहीं है। तो पहली बात तो यही मेंशन करेंगे कि इट इज ए क्रॉनिक डिजीज। कैसे डिजीज है? क्रॉनिक डिजीज बोल दो या फिर बोल दो कि एक तरीके का क्रॉनिक डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर होता है। पहली बात सिंपल से क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, एंड इट इज ए हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब आप जानते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब बहुत सिंपल से शब्दों में समझे कि आपको पता है आपकी बॉडी में IgE इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो मोस्टली किसके लिए जिम्मेदार है, एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। तो अगर अफेक्टेड हो रहा है तो कौन हो रहा है? IgE। इसलिए बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है या दिखाती है आपको, है? तो कैसा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बोल दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, या आप हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स बोले तो बेहतर लगेगा, है जी? क्या बोले? हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स।
रेस्पॉन्सिबल देते हैं, चलो हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स शो करती, क्लियर बात है, वेरी गुड। क्या होता है जो नॉर्मल एयरवे होता है इसके कारण क्या होता है, दैट कॉजिंग, जो नॉर्मल एयरवे है उसको क्या कर देता है, दैट कॉजिंग नैरोविंग द एयरवे, क्या कर रहा है साथियों, दैट कॉजिंग नैरोविंग एयरवे, एयरवे जो है उसको क्या कर दिया है इसने, छोटा कर दिया है, किसके कारण, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन के कारण, और ये डिसऑर्डर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, इस प्रोग्रेशन के कारण नैरोविंग या स्मॉलर कर दिया है एयरवे को, और कैसा कर दिया है इसने, अब ये जो बीमारी हुई है वो कैसी है साथियों, ये रिवर्सिबल है, हालांकि कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पहली बात। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, तो मैंने बताया आपको पहले ही कि जो ब्रोंकस है उस ब्रोंकस का क्या हो जाना, स्पाज हो जाना। देखो ब्रोंकस क्या है, ये ब्रोंकस है दोनों के दोनों, इधर ये इधर लंग्स होगा और ये इधर लंग्स, इनमें क्या हो जाना, स्पाज्म हो जाना, दैट इज द अस्थमा। और इनमें स्पाज्म हो गया तो हवा जो है वो हवा आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, जाएगी नहीं, तो सिंपल सी बात है। अच्छा इसके अलावा क्या हो जाता है, तो जवाब आएगा कि म्यूकोजल एडिमा, भाई ये जो म्यूकोजा है इस म्यूकोजा में सूजन जो है वो सूजन आ जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो उस म्यूकोजल वाली लेयर क्या करना शुरू कर देगी, हाइपर सीक्रेशन शुरू कर देगी। तो देखो कई चीजें क्लियर हो गई हमारी यहाँ पर, है क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, कि पेशेंट को इररिवर्सिबल क्या हो रहे हैं, इररिवर्सिबल का मतलब, ओ सॉरी रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल नहीं सॉरी रिवर्सिबल मतलब चेंजेबल है, कैसा, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, म्यूकोजल एडिमा होता है और हाइपर सीक्रेशन होता है, इनके कारण, हाइपर सीक्रेशन, म्यूकोजल एडिमा, इनके कारण क्या होता है, पेशेंट में तीन कंडीशंस देखी जाती है जो कि मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल कर लाते हैं, ये तीनों चीजें उस पर ध्यान देने वाली बात है, कि आपसे एग्जामिनर कह देता है कि कैरेक्टराइज बाय, है ना, ऐसे कह देता है, कैरेक्टराइज का मतलब होता है क्लिनिकल फीचर्स निकाल के ना, क्या क्या, सबसे पहला अगर कोई पेशेंट अस्थमा का है तो वो सुनाई देगी आपको सीटिया, जिसे हम बोलते हैं वीजिंग साउंड, क्या बोलते हैं भाई, वीजिंग, पेशेंट को बहुत भयानक क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ये भी एक क्लिनिकल फीचर निकल के आता है, और पेशेंट को जो है कंटिन्यूअसली क्या होती है, कफिंग जो है साथियों वो कफिंग होती है, क्लियर है, तो ये लीजिए लिख दिया। अब एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, यहां से कह दिया कि क्लासिकल, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि क्लासिकल ट्राइड किसे कहते हैं, क्लासिकल ट्राइड ऑफ अस्थमा बता दो, तो क्लासिकल ट्राइड का मतलब होता है साथियों ये तीन सिम्टम्स जो हैं वो तीनों सिम्टम, वीजिंग, चेस्ट पेन और कफ, किसके कारण हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ब्रोंकोस्पाज्म नैरा हो रहा है, म्यूकोजल एडिमा सूज रहा है तो चेस्ट पेन हो रहा है, और हाइपर सीक्रेशन हो रहे हैं तो पेशेंट को क्या हो रहा है, कफ हो रहा है। इस तरीके से आपको सिंपल सी भाषा में इस बात को बता देना है। चलिएगा भाई, इतनी बात समझने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम अस्थमा और अस्थमा की कुछ टाइप्स के बारे में। देखिएगा अस्थमा के टाइप्स की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, बहुत जो हार्ड एंड फास्ट नहीं, एक इंट्रेंसिक अस्थमा होता है और एक एक्सट्रेंसिक अस्थमा होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक, जो मर्जी है, एक अटोपिक या दूसरा नाम बोले तो एक को नॉन अटोपिक बोल दो, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नाम इजी लगे उसे ही बोल दे, टेंशन की बात नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ अस्थमा, और पहला होता है आपका एक्सट्रेंसिक अस्थमा और दूसरा होता है आपका इंट्रेंसिक अस्थमा, क्लियर बात है, वेरी गुड। चलिए एक्सट्रेंसिक अस्थमा क्या है और इंट्रेंसिक अस्थमा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को नाम से और जाना जाता है, तो ऑब्लिक करके एक और नाम बता रहा हूं आपको, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर होने वाला और इंट्रेंसिक मतलब अंदर के कारण होने वाला। अच्छा इसी को दूसरे नामों से बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है एटॉपिक अस्थमा और इसको बोला जाता है नॉन अटॉपिक अस्थमा, क्या बोला जा सकता है, एक को अटॉपिक अस्थमा बोला जा सकता है और एक को क्या बोला जा सकता है, नॉन अटॉपिक अस्थमा बोला जा सकता है, क्लियर है, बिल्कुल। देखिएगा एक्सटेंसिक अस्थमा जो होता है वो कब अकर होता है, तो जवाब आएगा इट अकर इन अर्ली चाइल्डहुड एज, कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड एज मतलब बच्चों में देखा जाने वाला अस्थमा कौन सा है, एक्सटेंसिक अस्थमा है, जबकि ये कहां देखा जाता है, तो आपका जवाब आ जाएगा कि लेट एज में देखा जाने वाला है, कितनी लेट एज, तो लगभग 35 से लेकर 45 ईयर वाले जो लोग हैं
उन लोगों में। अच्छा चाइल्डहुड की बात करें तो बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे आप सभी जानते हैं। वेरी गुड, आगे ध्यान दीजिएगा। ये एक्सटेंसिक अस्थमा है जो फैमिली के कारण होता है, रन इन फैमिलीज, कि जैसे किसी के मम्मी पापा को अस्थमा था तो यहां हो सकता है। अच्छा ये रन फैमिली में करता है, जबकि ये क्या है, नॉट रन इन फैमिली, नॉट रन इन फैमिली, ये फैमिलीज के अंदर क्या नहीं करता है, रन नहीं करता है, फैमिलीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलता है। बहुत सिंपल बात हो गई, ठीक है। एक्सटेंसिक अस्थमा होने के लिए हिस्ट्री होनी चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देखा जाता है हिस्ट्री ऑफ फैमिली कि कहीं घर वालों को तो नहीं है, और यहां पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो हम बोल देंगे नो हिस्ट्री ऑफ फैमिली, कि फैमिली की किसी भी तरीके की कोई हिस्ट्री नहीं होती है। बहुत सिंपल बात हो गई। इसके अलावा आगे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पर्सन को अस्थमा है, कौन सा एक्सटेंसिक अस्थमा है, तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो अफेक्टेड कारण है वो क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, आउटसाइड द फैक्टर्स, जबकि इधर क्या होते हैं साथियों, जबकि इधर होते हैं इनसाइड फैक्टर। अब आउटसाइड का मतलब बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं, और अंदर के कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं। देखिएगा आउटसाइड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डस्ट, जैसे पॉल्यूटेंट्स, डस्ट आप जानते हैं पॉल्यूटेंट्स बाहर के आने वाले। अच्छा इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना लोग, और उससे भी कई लोगों को अस्थमा हो जाता है। बहुत सारी साथियों ड्रग्स हो सकती है जिनके कारण, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनके कारण, अरे बाहर का कोई भी कारण हो उसके कारण क्या हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो वो आउटसाइड या एक्सटेंसिक अस्थमा कहलाता है, और अंदर का कोई कारण हो उसके कारण अस्थमा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव। जैसे किसी पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, कंटिन्यूअसली कंटेंट ऊपर आता है, रिफ्लेक्ट करता है बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने, किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उस कंडीशन के अंदर किसी पर्सन का जो है, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा कंटिन्यूअसली कोई स्ट्रेस में है, कोई भयंकर इमोशनल है, क्या है, कोई भयंकर इमोशनल टेंशन में, तो ये वो कारण है जो इंट्रेंसिक है, जो अंदर के हैं। अब भाई मेरी लाइफ में क्या दुख है, तुम्हारी में क्या है मुझे नहीं पता, या तुम्हारी में जो है तुम्हें पता है और मेरी में जो है वो मुझे पता है, है या नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें इन बातों का क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना होता है। क्लियर बात है, चलिएगा बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ये सुनो बिल्कुल। आगे ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंसिक के अंदर देखा जाए तो यहां पर जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन IgE है वो क्या हो जाती है साथियों, प्रोड्यूस हो जाती है। जब आप चेक करेंगे, जब आप डायग्नोस टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सटेंसिक पाथवे जो है, एक्सटेंसिक अस्थमा जो है उसके अंदर क्या हो गई है, आपकी IgE प्रोड्यूस हो गई, जबकि इंट्रेंसिक का मतलब IgE जो है वो ऑलरेडी पहले प्रोड्यूस थी, अब क्या हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, तो IgE क्या होती है यहाँ पे, नॉट प्रोड्यूस होती है, इस कंडीशन में प्रोड्यूस्ड नहीं होती है। अरे और बताऊं क्या, इसका मतलब तो ये है कि अस्थमा जो है, यहां तो ऐसी बात बता दूं, देखो और ही समझ में आ जाएगा, इसका मतलब तो ये है कि अस्थमा जो है वो पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, और इसका मतलब यह है कि अस्थमा का क्या आया है, अटैक आया है, पहले से अस्थमा है इसमें, इंट्रेंसिक मतलब मेरी बॉडी में अंदर के कारण, इसका मतलब अस्थमा है मेरे, और पहले अब पैदा हो रहा है बाहर के किसी कारण से पैदा हो रहा है, तो वो क्या कहलाने वाला है साथियों, एक्सटेंसिक अस्थमा जो है वो अस्थमा कहलाने वाला है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये टाइप्स थे और टाइप्स के बारे में हमने जिक्र कर दिया। देखिएगा नोट्स आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप लोगों को नोट्स देने की कोशिश करी जाएंगी कि PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और वहां से आप तुरंत से PDF पा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा अभी यहां तक बता दिए हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप्स, और टाइप्स के बाद में क्या आ जाते हैं, अस्थमा के कॉजेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, अस्थमा और अस्थमा के कॉजेज आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेज के बारे में, कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो सबसे बड़ा और पहला कारण मैं आपको बता दूं, कारण होता है साथियों एलर्जन। क्या होता है सबसे, एलर्जन। जवाब आइएगा इस बात का
कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। क्या होता है भैया? मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एलर्जन की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज है, बहुत सिंपल भाषा में अपन ने कह दिया। लेकिन एलर्जन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कई एलर्जन होते हैं जिन्हें आप क्या कर देते हैं, इनहेल कर लेते हैं। इनहेल का मतलब सांस के माध्यम से ले लेते हैं, इनहेल एलर्जी कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो डस्ट बहुत अच्छा है। अब इसमें भी एलर्जन मोस्ट कॉमन है, लेकिन इस एलर्जन में भी मोस्ट कॉमन कौन होता है? तो आपका जवाब आएगा कि अगर एलर्जी से हो रहा है और सांस की इनहेल करने की वजह से हो रहा है तो वो कौन सा है आपका मोस्ट कॉमन। अच्छा, डस्ट के अलावा कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉलर ग्रेन्स जिसे कहते हैं, पॉलर ग्रेन जानते हैं आप, पौधों का प्रागरण होता है ना, प्रागरण, और फिर वहां से जो निकलता है वो, उसे बोलते हैं पॉलर ग्रेन। दूसरा, इनहेल के कारण क्या हो सकता है? इंजेस्टेड, कि आपने कुछ खाया और उस कारण से हो गया। जैसे कई लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, जैसे कई लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है बेटा? अस्थमा जो है वो अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, कई लोगों को क्या कर दिए जाते हैं? फूड एडिटिव। अरे फूड एडिटिव का मतलब क्या होता है? देखो मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, फूड एडिटिव, आप कुरकुरे चिप्स तो खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो कई प्रिजर्वेटिव एजेंट ऐसे हैं जिन प्रिजर्वेटिव कारण के क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें, मैं सिंपल सी आपको पता है ना, दूध को फाड़ने के लिए टाटरीजिन काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? टाटरीजिन, है ना, टाटरी डाली जाती है उसको फाड़ने के लिए, उसको करने के लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं सिंपली। और उसे टाटरीन क्यों ली जाती है? तो आपको पता है ये कलर को, सॉरी फाड़ने के लिए नहीं, कलर एजेंट होता है। क्या होता है साथियों? ये एक तरीके का कलर जो है वो कलर का एजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा आप आजकल पिज्जा डोसा बर्गर इडली खाते हैं और उसमें कौन सा टेस्ट होता है भाई? उसमें होता है उमामी टेस्ट। अच्छा, उमामी टेस्ट तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं साथियों मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या बोलते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट करके एक टेस्ट आता है मार्केट में, अवेलेबल है, वैसे भंडार के भंडार लोग इसे मिला देते हैं और फिर हमें क्या कहते हैं यार, हमको तो ना उस पताशी वाले की पताशी बड़ी रास आती है। क्यों आती है भैया उस पताशी वाले की पताशी रास? क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट मिलाता है कौन सा? उमामी। अच्छा, कई लोग हैं, इसके बाद में और बात करें तो हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे कि ऑक्यूपेशन के कारण क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है। ऑक्यूपेशन बोले तो अब आपको पता है ऑक्यूपेशन, जो लोग क्या करते हैं, फ्यूम्स, ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फ्यूम है, या फिर वहां पे क्या होता है साथियों, बहुत ज्यादा डस्ट जो है, डस्ट है कौन सी? अच्छा, डस्ट छोड़िए, डस्ट छोड़िए, डस्ट की जगह आप ऐसे लिखिएगा कॉटन। रुई की फैक्ट्रियां होती है ना, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, कॉजेज के बारे में बात कर रहे थे। कॉजेज में हमने कहा एलर्जन, और एलर्जन में भी हमने बहुत सारे एलर्जन के बारे में पढ़ लिया। चलिएगा भाई, आगे चल लेते हैं फटाफट से बिना देरी करे हुए। तो एक कोज पता चला, और एक कोज क्या पता चला कि पहला कोज होता है, उस पहले कोज को हमने क्या नाम दे दिया भाई? उस पहले कोज को हमने नाम दे दिया था एलर्जन। अरे क्या नाम दे दिया उस पहले कोज को हमने? नाम दे दिया एलर्जन। चलिए कोज नंबर दो की बातें करते हैं। एलर्जन के बाद में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एलर्जन के बाद में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है बंदे को? एलर्जी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, एक बंदा है जो गाड़ी चलाता है और गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, कार से निकलने वाला धुआं, घर में लकड़ी जलाई जा रही है और उस वुड से निकलने वाला धुआं, उसे क्या बोलते हैं? वुड स्मोक, फर्नीचर वाला स्मोक। अच्छा, खाना बनाया जा रहा है, खाने से निकलने वाला धुआं, फूड स्मोक, ये भी क्या है सारे के सारे? अच्छा, कोई बंदा स्मोकिंग ही कर रहा है तो वो भी तो स्मोक ही है। अरे ये सोनो, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे क्या कारण हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जिनके कारण। इसके अलावा देखो, व्हीकल बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, ऑटोमोबाइल स्मोक। तो भाई कारण तो बहुत सारे हैं, कारण की कमी नहीं है, पर हम कुछ कुछ कारणों के बारे में क्या करना चाहेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आसानी रहे। चलिएगा भाई, यहां तक बता दीजिएगा, आपका हमें बता चुके हैं। आगे देखते हैं पॉल्यूटेंट्स के बाद में नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण हो सकता है साथियों, किसी पेशेंट को पॉल्यूटेंट्स के बाद में अगर कारण देखा जाए तो कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि डीओ, लोग परफ्यूम लगाते हैं,
डीओ लगाते हैं, जैसे कि क्या करा जाता है, पेंट कलर करवाते हैं ना घर में, और कलर करवाते हैं तो क्या एक अलग ही स्मेल आती है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ पेट्रोलियम कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पेट्रोलियम वेस्ट होता है, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी क्या होती है अपने को, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है, और उस एलर्जन के कारण क्या कोज हो जाता है बेटा, अस्थमा जो है वो अस्थमा कोज हो जाता है। चलिए यहां तक भी बता दिया, आगे चल लेते हैं फटाफट से बिना देरी करे। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नंबर चार क्या कारण हो सकता है। नंबर चार कारण की बात करें तो किसी पेशेंट को कंटिन्यूअसली क्या हो गई, इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, कि किसी पेशेंट को क्रॉनिक रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। क्या है साथियों, क्रॉनिक रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, बहुत लंबे समय से उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रखा है तो हो सकता है, या फिर उस पर्सन को एक बीमारी हो रखी है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, अस्थमा। और इसके कारण होने वाले अस्थमा को क्या नाम देते हैं, इसके कारण होने वाले अस्थमा को नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक अस्थमा। क्या नाम दिया जाता है भाई, गैस्ट्रिक अस्थमा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर पांच के बारे में। नंबर पांच के बारे में बात करें तो किसी पेशेंट को क्या हो रखा हो भाई, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का मतलब आप जानते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। अरे किसी के कंटिन्यूअसली इन्फ्लाम्ड हो रखे हैं कौन, साइनस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। और साइनस के कंटिन्यूअसली इन्फ्लाम होने के कारण सांस लेने में समस्या है, म्यूकस रुका हुआ है, और म्यूकस रुका हुआ तो पर्सन को क्या हो सकता है, अस्थमा जो है भाई, अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट नंबर छह बात करें, कोई पर्सन है एक्स वाई जेड और क्या हो रहा है कि ठंड से गर्मी में चला गया है, चेंज सडन इन टेम्परेचर, कि सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि कई बार होता है ना कि मौसम बदलता है, अस्थमाटिक वाले लोगों के साथ में क्या होता है, अस्थमा आने की कंडीशन, जैसे सर्दी के टाइम में कुछ ज्यादा ही होता है, कोई खतरनाक टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो भी उस बंदे को क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। और कुछ दवाइयां होती है साथियों, उन दवाइयों के कारण भी अस्थमा हो सकता है। दवाइयों में जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं एक, और याद रखना है, जिन लोगों को एस्पिरिन दी जाती है और जिन लोगों को साथियों बीटा ब्लॉकर्स दवा दी जाती है ना, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, डायलेट करने वाली नहीं है, बीटा ब्लॉकर्स की बात हो रही है। कौन सी दवा है साथियों, बीटा ब्लॉकर है, ऐसे है ना, वो दवाइयां क्या करा सकती है पेशेंट को, अस्थमा कॉज करा सकती है। तो आपको कई सारी चीजें पता चल गई है, नई नई बातें पता चली है कॉज में। अरे ये सुनो बिल्कुल, चलिए साहब कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, एलर्जन है, पॉल्यूटेंट्स है, इरिटेंट्स है, इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, तो देखिएगा इन सभी कॉजेज के बारे में वन बाय वन हमने पढ़ लिया है। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट को अस्थमा हुआ, किसी पेशेंट को क्या हो गया, अस्थमा हो गया, तो अस्थमा के बारे में कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, जैसे कि हमने डेफिनेशन जानी, जैसे कि हमने क्या जाना भैया, जैसे कि डेफिनेशन के बाद में हमने क्या जान लिया, उसके टाइप्स जान लिए, टाइप्स के बाद में हमने उसकी क्या जान ली, इटियोलॉजी जान ली। अरे जानी कि नहीं जानी, बिल्कुल जानी। अच्छा इटियोलॉजी जानने के बाद में, इटियोलॉजी बोले तो कॉजेज जान ली हमने, कॉजेज जानने के बाद में अगर हम बात करें तो अस्थमा, अस्थमा की एक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी, वो बेहतर होगा, आइए शुरू करते हैं। अब देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा कि कोई भी एलर्जन है, क्या है, कोई भी एलर्जन है, वो एलर्जन आपकी बॉडी में क्या करता है, एंट्री करता है। एलर्जन एंट्री करेगा तो आपको पता है आपकी बॉडी में एलर्जी के साथ में रिएक्शन करने वाली जो सेल होती है, उस सेल को क्या नाम देते हैं साथियों, उस सेल को नाम देते हैं इओसिनोफिल। कौन सी सेल नाम देते हैं उसे, इओसिनोफिल सेल के नाम से उसे हम जानते हैं। अब इओसिनोफिल सेल्स की अगर बात करी जाए तो इओसिनोफिल सेल्स जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी की एक तरीके की सेल है, और ये सेल क्या करती है, ये सेल जाती है किसके पास में, मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल को जाकर कहती है कि देख भाई कुछ कर चाहे मत कर, पर एक काम जरूर कर, क्या कर, कुछ केमिकल रिलीज कर, क्या कर दूं, कुछ केमिकल रिलीज कर। तो मास्ट सेल क्या कर देती है, यहां से कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज कर देती है। केमिकल मीडिएटर्स क्या कर दिए जाते हैं, यहां से रिलीज कर दिए जाते हैं। अब केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं सर कौन कौन से होते हैं, जरा सा बता दूं आपको, है ना। केमिकल मीडिएटर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोगों को हिस्टामिन। कौन है, हिस्टामिन। अगर दूसरा और पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि ब्रेडी
काइनिन होता है, ये सुनो चलिएगा। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए तो बॉडी ने क्या करा, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया। अरे क्या कर दिया भाई, बॉडी ने इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करा। अब जब बॉडी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करती है तो इस केमिकल मीडिएटर के कारण तीन चीजें होती है, यहां बता रहा हूं मैं आपको क्या है कि बॉडी ने शुरू करा इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शुरू होने के कारण बॉडी में कुछ चीजें होने लगी। एक तरफ क्या हुआ, केमिकल मीडिएटर्स ने क्या करवा दिया, एक तरफ बॉडी में करवा दिया इन लोगों ने वेजो डाइजेशन, ये सुनो वेरी गुड। दूसरी तरफ क्या कर दिया, इंफ्लामेशन केमिकल मीडिएटर्स के कारण की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या हो गया साथियों, इंक्रीज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो थी वो परमिएबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और तीसरी तरफ एक और काम करवा दिया इसने कि जो नर्व इंपल्स थी, जो नर्व सेंसिटिविटी थी, उसको भी क्या कर दिया इसने, इंक्रीज नर्व सेंसिटिविटी। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर दिया इसने, एक्टिवेट कर दिया। अब देखिएगा वेजोडाइलेशन होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होने वाला है उस पेशेंट को, तो सिंपल सी बात है ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो बंदा लाल लाल दिखेगा, उसे इरिदमा होगा। और खून कैसा होता है, गर्म होता है, तो उसे कैसा फील होगा, वार्म्थ फील होगा। परमेबिलिटी बढ़ेगी तो पेशेंट, अगर जब परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें पता है उसमें क्या होता है, एडिमा होता है, और एडिमा होगा तो पेशेंट को क्या होने वाला है, डिजनिया जो है वो डिजनिया होने वाला है, सांस लेने में उसे दिक्कतें होने वाली। जबकि नर्वस सेंसिटिविटी की हम बात करें तो नर्वस सेंसिटिविटी में क्या होगा कि बॉडी क्या करने लग जाएगी, हाइपर सीक्रेशन शुरू कर देगी। क्या शुरू कर देगी भैया, हाइपर सीक्रेशन शुरू कर देगी, और उसके कारण पेशेंट को क्या होने वाला है, उसके कारण पेशेंट को होने वाला है कफिंग। ये सुनो, हाइपर सीक्रेशन होंगे उसके कारण कफिंग होंगे, और एक तरफ नर्वस सिस्टम क्या करवा देगा, ब्रोंकस को स्पाज्म करवा देगा, उसे हम बोलेंगे साथियों क्या, ब्रोंको स्पाज्म। जब भैया ब्रोंकस सिकुड़ेंगे, छोटे होंगे, तो पेशेंट को क्या होने वाला है, छाती में पेन, जिसे आप क्या कहने वाले हैं, चेस्ट पेन, जो है चेस्ट पेन होने वाला है। इस तरीके से क्या हुआ, नॉर्मली सिंपल भाषा में हमने क्या कह दिया कि पेशेंट था, और उस पेशेंट को क्या हो गया भाई, अस्थमा जो है वो अस्थमा हो गया है। चलिए क्लियर बात हो गई। एलर्जन आया, एलर्जन इयोसिनोफिल से रिएक्शन करा। अब इयोसिनोफिल देखो ब्लड की सेल्स हैं, यहाँ पर टी हेल्पर टू सेल्स हैं, वो बहुत डिटेल की कहानियां हैं, फिलहाल अपने कॉलेज के लिए बहुत सफिशियंट कंटेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल याद करना है। मास सेल स्टेबलाइजर आया, उसने कहा केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कर, ऐसे केमिकल होते हैं, इन्होंने इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करा, वेजोडाइलेशन करा दिया, इंक्रीज परमेबिलिटी करा दी और इंक्रीज सेंसिटिविटी करा दी। वेजोडाइलेशन हुआ तो एरिदमा हो गया, वार्म्थ हो गया, परमेबिलिटी बढ़ी तो एडिमा हो गया, डिजनिया हो गया, और सेंसिटिविटी बढ़ी तो हाइपर सीक्रेशन हो गया, जिसके कारण कफिंग हो गया, ब्रोंको स्पाज्म हो गया, जिसके कारण क्या हो गया भैया, जिसके कारण हो गया चेस्ट पेन। अरे क्या हो गया, जिसके कारण चेस्ट पेन हो गया। ये सुनो चलिए भाई, यहां तक की बातें भी क्लियर हो गई है, आगे चल लेते हैं। इस पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जो हमें यादें होनी चाहिए। तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही लाइन में, पहली ही क्लास में, शुरुआत में बता दिया कि पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को होता है डिजनिया। क्या होता है, डिजनिया होता है। पेशेंट को क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। अरे क्या होता है भाई, पेशेंट को चेस्ट पेन जो है वो चेस्ट पेन होता है। अच्छा, लास्ट में पेशेंट को क्या हो रहा था, कफ हो रहा था। तो ये लो भैया, ये तो क्लिनिकल ट्राइट्स बन गए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बन गए। शॉर्ट फॉर्म लिखे तो क्या बोल सकते हैं, DCC है, क्या बोल सकते हैं, DCC। सिंपल सी बात है, डिजनिया, चेस्ट पेन और कफिंग, हर एक छोटी छोटी बात याद रखनी है। अच्छा, डिजनिया हो रहा है तो डिजनिया के साथ में एक बात याद रखनी है कि अगर किसी पेशेंट को डिजनिया है तो डिजनिया के साथ में क्या आने वाला है, आपको पता चल चुका है कि वीजिंग साउंड जो है वो वीजिंग साउंड सुनाई देगा, सीटी की आवाज जो है, भाई सांस में समस्या हो रही है इसीलिए तो साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके छाती में दर्द हो रहा है, और उसको कफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइपर सीक्रेशन के कारण आ रहा है। क्लियर है, तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान देने वाली है कि पेशेंट है उसको डिजनिया है, डिजनिया के अलावा उसको चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन के अलावा उसे कफिंग है। चलिए एक एक बात को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको डिजनिया जो हो रहा है वो डिजनिया क्यों हो रहा है। तो देखो भैया,
क्या हो रहा है साथियों उसको, डिस्निया। डिस्निया बोले तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में उससे समस्या हो रही है। सांस लेने में समस्या कब हो रही है मेनली, देखो जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, सारी डिजीज में एक बात जरूर याद रखिएगा, क्या कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है कभी भी, पेशेंट को सांस छोड़ने में हमेशा दिक्कत होती है। तो ये बात आप ध्यान रहे कि डिस्निया कब हो रहा है, मोस्टली सीन इन एक्सपायरेशन। कब देखा जा रहा है कि जब वो सांस छोड़ रहा है तो उसे बड़ी समस्या और बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर दो, पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है तो कारण पता चल गया तो आप कह देंगे ड्यू टू ब्रोंको स्पाज्म। किसके कारण हो रहा है, जो ब्रोंकस का स्पाज्म हो रहा है उस ब्रोंकस के स्पाज्म के कारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वीजिंग साउंड हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, वीजिंग साउंड सुनाई दे रहा है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होता है वीजिंग साउंड। कब सुनाई देता है मोस्टली वीजिंग साउंड, तो आपको बता देना है ओनली एक्सपायरेशन, ये शुरुआत में, ये भी शुरू हुआ है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो लेटर ऑन क्या देगा, बोथ कंडीशन में आपको वीजिंग साउंड सुनाई देगा, बोथ बोलू तो चाहे आपका इंस्पिरेशन हो और चाहे फिर आपका एक्सपायरेशन हो। इस तरीके से क्या है, तीन क्लिनिकल फीचर्स तो क्लियर हो गए हमारे, जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए वीजिंग साउंड के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्या होगा फोर्थ, तो फोर्थ हम कह देंगे कि पेशेंट को होने वाला है क्या, कफिंग। क्या होने वाला है भाई, पेशेंट को कफिंग होने वाला है। तो शुरुआती फेज में कफ नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं शुरुआत में तो नॉन प्रोडक्टिव होता है, बलगम नहीं आता है। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और जब अस्थमा का अटैक चला जाता है, कफिंग, कफिंग कब की बात हो रही है, जब अटैक है, यहाँ पे बात मेंशन कर सकते हैं, अटैक के दौरान कफ नहीं आता, पर जब अटैक क्या हो गया, अटैक कंप्लीट हो चुका है, अटैक फिनिश हो गया है, अटैक के फिनिश होने के बाद में पेशेंट को क्या होती है, प्रोडक्टिव कफिंग होती है। कैसी कफिंग होती है भाई, प्रोडक्टिव कफिंग होती है। और इस प्रोडक्टिव कफिंग में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कैसी होती है प्रोडक्टिव कफिंग, थोड़ा सा कफ जो आता है वो थिक आता है, गाढ़ा आता है। कफ जो आता है कैसा आता है साथियों, टिनेशियस आता है। टिनेशियस का मतलब ऐसा बिल्कुल कतई चिकड़ा हुआ, चिपका हुआ सा, जिसे हम बोल सकते हैं। और कैसा आता है, बिल्कुल क्लियर आता है। ये इस प्रोडक्ट, इस कफ की कहानी होती है कि अटैक आ रहा है, अभी अटैक आ रहा है मुझे तो मुझे कफ नहीं आएगा, पर जब अटैक चला जाएगा तो क्या होगा साथियों, कफ देखा जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टिनेशियस बोलते हैं। चलिए एक और बात बता दूं मैं इसमें, इसमें जो कफ आता है वो कैसा आता है, वो कफ आता है स्पाइरल, ऐसे लगता है ऐसे ऐसे वाला कफ, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में क्या है, चिपका हुआ है, कतई ना छूटे हम ना तोड़े जन्मों का संगम, हमारा ये रिश्ता है जन्मों जन्मों वाला, वो वाली बात होती है। इसके साथ ही कहता है कि नहीं मैं तो अकेला नहीं जाऊं, तू मेरे साथ चल। धुंद्र वाला कहता है नहीं मैं तो जा ही नहीं रहा, तो फिर वो सारा का सारा कफ क्या होता है, अंदर रहता है, और बाहर भी आया तो क्या होगा, सारा का सारा एक साथ आएगा, वरना तो वो बाहर आएगा ही नहीं। चलिए भाई यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या, अरे बोलो ये सुनो, चलिए हो गई है, बहुत बढ़िया बात है, अगर हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो। तो हम पढ़ रहे हैं क्या साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या हो गया है, मिट क्यों नहीं रही आज, चलो कोई बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, जो है वो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स में नेक्स्ट देखिएगा, अब डिस्निया हो रहा है तो हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्या भी होने वाला है भाई, सांस लेने में दिक्कत हो तो यकीनन बात है पेशेंट को क्या होने वाला है, हाइपोक्सीमिया होने वाला है, ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होने वाली। अच्छा सांस लेने में दिक्कत है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो बढ़ किसका गया लेवल है, तो ये जवाब आ जाएगा सर पेशेंट को क्या होने वाला है, हाइपरकैपनिया होने वाला है। हाइपरकैपनिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ स्यूप। पेशेंट सांस जल्दी जल्दी लेगा कि धीरे धीरे लेगा, तो जवाब आएगा पेशेंट को सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी कि घटेगी, तो जवाब आएगा पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, सांस बढ़ेगा वैसे ही उसकी क्या बढ़ने वाली है, हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट बढ़ने वाली है, ये सुनो। इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा भाई, इसके अलावा पेशेंट को होगा साथियों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जरा सा सुन ले, कि सांस लेने की समस्या है और डिस्ट्रेस के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट की बॉडी का साइनोसिस दिखना, जैसे कि पेशेंट किसी हाथ को ऐसे खड़ा है, किसी का सपोर्ट चाहिए उसको, बिना सपोर्ट के वो खड़ा नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गई है,
थक गया है वो, अब उसे किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, अपनी मर्जी से वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जो आप लोगों को याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसको सांस ले रहा है तो सांस कैसा ले रहा है, ऐसा जैसा सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, तो उसके नाक जो है ये नेजल फ्लरिंग्स जो है वो फूलते हैं, उसे बोलते हैं नेजल फ्लरिंग्स। ऐसी कुछ चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन हमें नजर आते हैं। कभी पूरी डिजीज ले लेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में एक एक बात आपको क्लियर कर लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये इतनी बातें हो गई बहुत सिंपल सिंपल भाषा में, क्लिनिकल फीचर्स भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक। अब आगे देखिएगा कौन कौन से टेस्ट जो है वो टेस्ट हमको करने पड़ेंगे, किसके लिए भाई, इसके लिए। देखिएगा जब आप क्या करेंगे यहां पर टेस्ट करेंगे तो टेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट की बातें करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आए तो आपको करना पड़ेगा सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी करें तो तीन बातें चार बातें जरूर याद रखें, पहली इंस्पेक्शन, दूसरी पाल्पेशन, तीसरी परकशन और चौथी ऑस्कल्टेशन। ये तीनों चारों बातें आपको कंफर्मली याद होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर कोई बात हुई है तो वहां पर हमको ये देखना ही देखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। मैं पर्सन को देखूंगा तो पर्सन में क्या नजर आएगा, तो पर्सन में नजर आने वाला है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नजर आने वाला है। अरे भाई क्या नजर आने वाला है पर्सन में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलूं तो ये पेशेंट की बॉडी में साइनोसिस देखा जाएगा, नेजल फ्लरिंग्स देखा जाएगा, पेशेंट टैकीपिनिया देखा जाएगा, टैकीकार्डिया देखा जाएगा, अरे जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा, नाक फूल रहा होगा, हार्ट रेट बढ़ रही होगी, पेशेंट ट्राइपोइड पोजीशन में होगा। ट्राइपोइड पोजीशन क्या होती है जरा सा सुनिएगा, पेशेंट यूं हाथ करेगा, ये दोनों हाथ ना किसी सपोर्ट ऐसे दोनों हाथों को रख रखा है, ऐसे झुक रखा है, इस तरीके से सांस ले रहा होगा पर किसी सपोर्ट के माध्यम से, बिना सपोर्ट के माध्यम से नहीं हो सकता ऐसा, तो उसे ट्राइपोइड पोजीशन कहते हैं। तो हम सिंपल सी भाषा में एक ही वर्ड लिख दिया मैंने कि इंस्पेक्शन में क्या देखा जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जाएगा। पाल्पेशन करूंगा तो पेशेंट की चेस्ट के जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगे साथियों, डिक्रीज हो जाएंगे, चेस्ट मूवमेंट जो है वो कम नजर आएंगे आपको। क्लियर बात है। इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं, पेशेंट की चेस्ट पर आप हाथ रखेंगे तो आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा, वो बात की बात है, पर आप क्या करते हैं जैसे जैसे हम बोलते हैं चेस्ट पर हाथ रखिएगा सब और बोलिएगा 99, तो अपनी चेस्ट क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है ना। और अगर हवा भरी होती है तो हवा में वाइब्रेशन नहीं जाते, सॉलिड चीज में वाइब्रेशन क्या होते हैं आसानी से चले जाते हैं। तो अब क्या हो गया, ब्रोंकस का स्पाज्म हो गया। अब स्पाज्म हो गया तो मुझे बताइएगा कि जो मेरा टैक्टाइल फर्मिटस, वाइब्रेशन चेक करने को क्या कहते हैं, टैक्टाइल फर्मिटस कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा साथियों यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज टैक्टाइल फर्मिटस नजर आने वाला है। यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पाल्पेशन के बारे में, परकशन के बारे में। तो अब मुझे बताओ कि एक नॉर्मल मटकी है, ये नॉर्मल मटकी है, ये भरी हुई मटकी है, ये छोटी मटकी है, अगर मैं टक टक करूंगा तो इसमें से ज्यादा साउंड किसमें आएगा, जो भरी हुई होगी। अब यहां पे क्या भरा हुआ है, अंदर CO2 भरा हुआ है, तो लंग्स क्या है, मटकी की तरह फूला हुआ है, तो जो साउंड आने वाला है कौन सा आने वाला है भैया, हाइपर रेजोनेंट साउंड आने वाला है। अरे कौन सा साउंड आने वाला है, हाइपर रेजोनेंट साउंड जो है वो हाइपर रेजोनेंट साउंड हमें सुनाई देने वाला है। ऑस्कल्टेशन करूंगा तो आपको पता है अभी अभी आपको बता दिया गया है कौन सा साउंड सुनाई देगा, वीजिंग साउंड जो है, वीजिंग साउंड सुनाई देगा। ये चारों बातें ऐसे मान लीजिएगा सोने की लकीर है, इन्हें आपको जरूर जरूर पढ़ना है। इंस्पेक्शन होगा तो डिस्ट्रेस होगा, पाल्पेशन होगा तो चेस्ट के मूवमेंट क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो फिर हम परकशन करेंगे तो हाइपर रिजोनेंट साउंड सुनाई देगा। और फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अगर देखा जाए फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में, तो हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे, देखिएगा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो क्या होता है और कैसे किया जाता है। दूसरा काम करते हैं साथियों एबीजी एनालिसिस। क्या करते हैं भैया, एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस की बात जब जब करी जाए तो ध्यान दें, एबीजी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस वॉल्यूम का पता लगाना।
इसमें काफी सारे डाटा पता लगाते हैं, मैं नॉर्मली बता देता हूँ क्या क्या लगाते हैं। PaO2 पता लगाते हैं, PaCO2 पता लगाते हैं, ऑक्सीजन पता लगाई जा रही है, CO2 जो है वो CO2 पता लगाई जा रही है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती है यहाँ पे हमें पता लगानी होती है। किसके अंदर पता लगाते हो, तो ABG एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तीसरी बात अगर बोली जाए तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन भी पता लगाया जाता है, ठीक है। एक एक छोटी छोटी बात, इसके अलावा आपका यहाँ पे HCO3- की वॉल्यूम जो है वो पता लगाई जाती है, इसके अलावा यहाँ पर पीएच जो है पीएच पता लगाई, हर एक बात पता लगाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एबीजी एनालिसिस करोगे तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम डेफिनेट सी बात घटी हुई है, CO2 जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सेचुरेशन जो है घटा हुआ मिलेगा। बाइकार्बोनेट आयन की जब बात करी जाएगी, HCO3- की जब बात करी जाएगी, तो HCO3- भी क्या होगा साथियों, आपका जो है HCO3 नॉर्मली क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ मिलने वाला है। और पीएच जो है, अब मुझे बताइए CO2 ज्यादा है तो पीएच भी क्या होने वाला है आपका, यहाँ बढ़ा हुआ मिलने वाला है। इस तरीके से एबीजी एनालिसिस की वॉल्यूम हम पता करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल क्लास कभी इसके बारे में भी एक पूरी यूनिट करनी पड़ेगी, पूरी लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, जब जाकर इस ईबीजी एनालिसिस की वॉल्यूम को आप पढ़ पाएंगे, है जी। चलिए आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट बात पे चलते हैं, आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट एक टेस्ट करते हैं जिस टेस्ट का नाम होता है साथियों पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और जब बात आ जाए PFT करने की, PFT बोले तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और यही इस बीमारी का पता लगाने का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर सारी रेंज पता लगाई जाती है, जैसे कि आपकी टाइडल वॉल्यूम क्या है, जैसे कि आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है, जैसे कि आपकी जितनी भी रेंज हो सकती है, जैसे कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी इन 1 सेकंड क्या है, इन 2 सेकंड क्या है, इन 3 सेकंड क्या है, ऐसे हर एक बात पता लगाई जाती है, जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये सारी बातें, जैसे कि फंक्शनल वॉल्यूम क्या है ना, सॉरी फंक्शनल क्या, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ऐसे एक एक रेंज को क्या होता है पढ़ा जाता है, देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, और यही टेस्ट क्या कहलाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। कौन सा टेस्ट, PFT, जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अगर किसी की रेंज बढ़ी हुई मिलेगी तो दो ही चीजों की मिलेगी, याद लिख लीजिएगा नोट्स में, कि एक तो मिलेगी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा, और दूसरा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी सारी की सारी वॉल्यूम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी भाई, घटी हुई है और घटी हुई मिलने वाली है। अरे ये सुनो बिल्कुल, अगर पेशेंट का क्या करा जाए, चेस्ट एक्सरे करी जाए, तो एक्सरे में क्या देखा जाएगा, जो उसका डायफ्राम है उस डायफ्राम को आप पाएंगे कि फ्लैटेंड है, मतलब डायफ्राम फैट क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंग्स का क्या हो रखा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा है, और इसके कारण ये डोम शेप जो है ये कैसा नजर आने लग जाएगा, बिल्कुल सीधा फ्लैट नजर आने लग जाएगा। क्लियर है, चलिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। स्पुटम एनालिसिस भी कर लेते हैं ये पता करने के लिए कि पेशेंट को जो बीमारी है वो बीमारी में एग्जैक्टली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उस इन्फेक्शन का पता करने के लिए। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब आता है साथियों ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जितने भी कॉजेटिव एजेंट्स हैं, जितने भी कॉजेटिव एजेंट है, जैसे डिजनिया है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। कैसे करा जाए, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट दे दिया जाए, पेशेंट को हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन दे जिसमें पेशेंट आसानी से सांस ले सके। दूसरा, पेशेंट को स्पुटम निकल के आ रहा था तो बलगम को साफ करना पड़ेगा, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी, पेशेंट को बार बार घुमाना पड़ेगा, पानी की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, क्यों, ताकि जो बलगम जो स्पुटम निकल के आ रहा है वो स्पुटम क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और आसानी से क्या हो जाए, वो बाहर निकल जाए। तो 2 काम कर लिए हमने, एक डिजनिया करा डिजनिया को ठीक करने के लिए, और दूसरा स्पुटम को बाहर निकालना। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पेशेंट को क्या करा जाएगा, ऑक्सीजन भी दिया जाएगा। ऑक्सीजन जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, तो सिंपल भाषा में आप कह देंगे कि ऑक्सीजन दिया जाएगा वो कैसे, तो आपका जवाब आएगा कि लो फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन कभी भी नहीं दी जाती। ऑक्सीजन कैसे दी जाए, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाए, सूखी हवा ना दें, ड्राई दें, सॉरी सूखी हवा ना दें, वेट ऑक्सीजन दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, ताकि जो
सोडा बन रहा है, ड्राई म्यूकस जो है वो म्यूकस क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और आसानी से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पेशेंट को क्या करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें मोस्टली पर्स लिफ्ट ब्रीदिंग कराई जाती है। देखिएगा कैसे करते हैं पर्स लिफ्ट ब्रीदिंग। आप सांस लीजिएगा, होल्ड करिएगा और जब सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे, कैसे छोड़नी है, मुंह को फुलाना नहीं है, मुंह का पाउच भी नहीं बनाना है, ऐसे भी नहीं है, नहीं नहीं, अरे फूकनी से चूल्हे में आग जलाइए क्या कभी, फूकनी से ऐसे फूकनी लेते हो चूल्हे में आग जलाते हो क्या, हवा दोनों लिफ के टच होकर आना चाहिए और बहुत देर तक धीरे धीरे हवा क्या होनी चाहिए, बाहर, तो रुकी हुई हवा कहां जाएगी, बाहर। और ऐसे ब्रीदिंग को क्या कहते हैं, पर्स लिफ्ट ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। अरे ये सुनो, अच्छा फिर इसके अलावा दवाइयां दी जाएगी, दवाइयां कौन कौन सी दी जाती है तो आपको पता है, एक तो ब्रोंको डायलेटर्स दी जाने वाली है। ब्रोंको डायलेटर्स में एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर आती है और एक लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर आती है। शॉर्ट एक्टिंग आती है उन्हें साबा के नाम से जानते हैं, SABA, है ना। लॉन्ग एक्टिंग आती है उन्हें लाबा के नाम से जानते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर। शॉर्ट एक्टिंग होती है कुछ देर के लिए आराम देती है और इंस्टेंट आराम देती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है वो लंबे समय के लिए आराम देती है पर वो इंस्टेंट आराम नहीं देती है। इस तरीके से दवाएं दी जाती है, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं साल्बुटामोल और एल्बुट्रोल आपकी शॉर्ट एक्टिंग दवा होती है, वहीं आपकी एक दवा आती है उस दवा का नाम है साथियों, उस दवा का नाम होता है लाबा के अंदर अगर बात करी जाए लॉन्ग एक्टिंग की तो साल्मेट्रोल, साल्मेट्रोल करके दवा आती है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी दवा दे देते हैं। इसके अलावा और बात करी जाए इन्फ्लामेटरी के अलावा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है ताकि बॉडी जो है वो फटाफट क्या करने लग जाए, थोड़ा काम करे, फंक्शन जो है उसके वो फंक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसके अलावा पेशेंट को मास्ट सेल स्टेबलाइजर दिए जाते हैं कि मास्ट सेल की फंक्शनिंग कम हो, म्यूकस कम बाहर आए, एंटीस्टामिन स्टामिन को कम करने के लिए, ल्यूकोटराइन म्यूकस को तोड़ने के लिए, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, IgE के खिलाफ एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीबॉडी के लिए ही एंटीबॉडी दी जा रही है, क्यों, क्योंकि अगर IgE कंटिन्यू बढ़ता गया तो बॉडी उसे एंटीजन की तरह काम करने लग जाएगी, ट्रीट करने लग जाएगी और पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, एलर्जी जो है एलर्जी हो जाएगा। इस तरीके से एक पेशेंट जो है, पेशेंट का है नाम अस्थमा, और अस्थमा में इस तरीके से हम इतने सारे काम करके अस्थमा को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। नोट्स लेने के लिए आप सभी साथी काम कर सकते हैं, और काम क्या करना है वो ध्यान से सुन सकते हैं मेरी बात, कि मुझे इसी आपको नंबर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, फिर भी मैं बता दूं 9928511522। और पूरा का पूरा कोर्स परचेज करने के लिए भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां से हमारे साथ जुड़िएगा। जो जुड़ रखे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, जो नहीं जुड़ रखे हैं वो जुड़ सकते हैं, है जी, बहुत ही कम और मिनिमम प्राइस में। नोट्स जब आप लेंगे तो उसका किसी भी तरीके का कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं, थैंक यू एवरीबॉडी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।